और शेफ साहब, डोसा का माव रेडी करना है ना, चले नहीं चले हा? तो गाइस कैसे आप सब लोग, मैं शेफ ऋषि। तो आज हम बनाने वाले हैं जो डोसा का जो माव है वो भिगा के रखेंगे। इसके बाद कितना टाइम रखना है पूरा बताता है आप देखो। तो ये जो चावल है डोसा राइस है, और यार जब भी भिगाए तो इसका एक मात्रम से आप अंदाजा लगा ले, उसका हिसाब से आप डाले। जैसे कि हम इससे अभी फिलहाल के लिए 2 कप डाल रहे हैं। तो अभी ये 2 कप चावल ले लिया, अभी इसके साथ एक दाल है, दाल मिक्स करना है। ये इसको उड़द दाल बोलता है। तो इस कप से हम 2 कप तो राइस डाला और 1 कप ये दाल डालेंगे। तो ये दाल हो गया, चावल और दाल, और ऊपर से इसमें डालेंगे आपका ये मेथी है, येलो मेथी। ये येलो मेथी डालेंगे, और इसमें और एक चीज डालना है, जब ये पूरा भीग जाएगा उसके बाद में ऊपर से डालेंगे इसमें व्हाइट वाला जो चूरा होता है, पोहा बोलता है, पोहा डालेंगे। और अभी इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी में भिगा दिया ये, इसको अभी अच्छा से भीगने देंगे, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम। आप जितना अच्छा से भिगा के रखेंगे ना ये माव इतना ही फूलेगा। तो हम इसको 5 घंटे के लिए ऐसे रख देंगे। तो गाइस फाइनली हमारा जो डोसा का माव जो भिगा के रखा था ये आपका पूरा गल चुका है। तो अभी इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने जो बताया था आपका पोहा है ये व्हाइट वाला, तो इसको भी डालेंगे, इसके साथ डाल के इसको पूरा अच्छा से पूरा ब्लेंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छा से, और इतना ज्यादा लूज भी नहीं करना है। तो ये बैटर पूरा हो गया है, एकदम पूरे पाउडर जैसा होना चाहिए एकदम। तो गाइस ये फाइनली पूरा हो गया है, अभी बस इसको निकाल के इसको ढक्कन से या तो रैप से, बस अभी ये पूरा मिक्स हो गया है। इसको अभी 2 से 3 घंटा हम अभी इसको रेस्ट करेंगे, फ्रीजर में डीप कर देंगे। उसके बाद इसमें आपका स्वाद अनुसार के हिसाब से आप नमक डालें, शुगर डालें, और आपका बैटर पूरा तैयार है। और आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता है कि ये मिक्स अच्छा से हुआ कि नहीं, जो उसका पूरा पीसा हुआ आपको पता चलने के लिए सिंपल सा आप ऐसा चम्मच ले लें, एक करसी, और अपना एक उंगली लेके ऐसे कीजिए। अगर आपको ये पूरा साफ नज़र आ रहा है ना तो आप समझ लेना कि आपका बैटर पूरा अच्छी तरफ से पूरा मिक्स हो गया है। अगर बीच में अगर कोई 1-2 अगर सीट आता है ना तो समझ लेना आपका बैटर अच्छा से मिक्स नहीं हुआ। एकदम सिंपल ट्रिक है ये। तो गाइस ये जो माव है ये ऑलरेडी रेडी है पूरा। बस अभी आप इसमें जब बनाने से पहले आप थोड़ा नमक डालना, चीनी डालना, अपने हिसाब से डालना ये, और इससे आप इडली भी बना सकते हैं, और जो छोटा वाला जो डोसा होता है वो डोसा भी बना सकता है। आपका अगर बनाना है तो बड़ा वाला जो मसाला डोसा है मसाला डोसा भी बना सकता है। तो चलिए हम अभी बना के दिखाते हैं आपको। डोसा आप जब भी बनाए नॉन स्टिक पैन है तो घर में नॉन स्टिक पैन में बनाए। ये आपने थोड़ा सा ऊपर डालना है, कोकोनट ऑयल मैंने इसीलिए डाला ताकि इसके जो फ्लेवर है ना थोड़ा कोकोनट ऑयल का फ्लेवर आ जाए। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो आप कोकोनट ऑयल डालें, नहीं तो नॉर्मल जो पाम ऑयल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। भी घर में ट्राई करें, ऐसे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये।
भी बहुत टाइम भी अगर ऐसे ही रख देना फिर भी ये हार्ड नहीं होगा, ऐसे ही सॉफ्ट ही रहेगा। तो गाइस पूरा आपको दिखा दिया मैंने, बैटर से लेके आपको पूरा बनाने तक मैं डोसा का रेसिपी दिखा दिया। तो गाइस आप भी घर में ट्राई करें और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसे लगे आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे गाइस एक दूसरे वीडियो के साथ।